वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं। पता नहीं तेरा ये ख्वाब पूरा भी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे स्नान के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर। श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना, उसके मैचिंग के जूते भी निकाल के रखना समझे, वरना उन्हीं जूतों से मार मार कर तुम्हारी कविता भुला दूंगी। मैं तो इस घर में पति बनकर आया था, मैं तो पत्नी बनकर रह गया। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अरे ओ सड़ियल कविराज, लगता है कविताएं गागा कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ धर्मपत्नी? ये देखो, ये कुत्ती के नहाने का साबुन तुमने मेरे नहाने के लिए रखा है। ओ शट अप, जाओ और जाकर दूसरा साबुन ले आओ। सठिया क्या? अरे साबुन बनाने वालों को आजकल इंसानों और कुत्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझको अमीरों के बाजार में। बड़ी साली को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, छोटा लड़कियों के पीछे है और बड़ा बिजनेस में बिल्डिंगों के पीछे है। बिजनेस में वही लोग ऊंचाई पर होते हैं जिनकी सोच में ऊंचाइयां होती है। मगर सर, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैनेजर साहब, आप मिट्टी की जमीन पर हमेशा नोटों की इमारत देखना चाहते हैं, मगर कुछ सौदे जज्बात के भी होते हैं जहाँ फायदे और नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती। सर मैं समझा नहीं। ये उस बिल्डिंग की तस्वीर है जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, जो उनके जीते जी तो पूरी न हो सकी, जिसे अब मैं पूरी करूंगा। सर, इस कंपनी के सारे प्लान, हिसाब किताब के सारे पेपर्स दुर्गा जी के टेबल से पास होकर जाते हैं, और उनकी मर्जी के खिलाफ। वैसे भी माता जी और आपके बीच छोटी मोटी गलत फहमियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो, यस, कौन मिस्टर साठे? गुड मॉर्निंग दुर्गा जी। गुड मॉर्निंग। रवि से कहना कि आज शाम को 6 बजे क्लार्सन एंड टोबरो में हमारी खास मीटिंग है, हम वहां नहीं जा पाएंगे। उस मीटिंग में वो चला जाए, वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा और हमें नुकसान पसंद नहीं। ओके रवि साहब, आज शाम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? माँ जी ने किसी अर्जेंट मीटिंग में जाने का हुक्म दिया है। यस सर। मिस्टर साठे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वादे और जबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। आज शाम 6 बजे मैं वहीं जाऊंगा जहां मैंने जाने का वादा किया है। कम इन। नमस्ते जी। नमस्ते। आप? मेरा नाम सुंदर साठे है, आपके प्रोग्राम का चीफ गेस्ट रवि वर्मा का मैनेजर हूँ मैं। साहब को एक जरूरी मीटिंग से बाहर जाना था। अच्छा। तो उन्होंने आपकी संस्था के नाम ये 1.5 लाख का डोनेशन चेक और आपके लिए गुलदस्ता भेजा है। थैंक यू। ये रवि साहब का कार्ड है, उन्होंने कहा है आपको कभी भी कुछ भी काम हो बिला झिझक फोन कर सकती हैं। हेलो सर, वो लड़की आ गई है। कौन? उषा। उसे जल्दी से अंदर भेज दो। ओके सर। देखिए आप अंदर चले जाइए। कम इन। मैंने अपना कार्ड भेजा था, लगता है इसीलिए यहां पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने पता दिया था तो मुश्किल कैसी। बैठिए। थैंक्स। मैं फिक्रमंद था कि आपको मेरा एड्रेस मिला भी है या नहीं। मिलता कैसे नहीं, आपने अखबार में टाइपिस्ट के लिए इतना बड़ा इश्तेहार जो दिया था। ओ, मतलब आप इश्तेहार देकर रही हैं? जी। नौकरी के लिए?
जी हाँ, ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस। अरे रे, इसकी क्या जरूरत है? समझिए, आपको नौकरी मिल गई, बल्कि आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं। थैंक्स। उषा, प्लीज कम इन। यस सर। पांडू, लगता है मामला गड़बड़ है, जरा देख तो सही। कल उसके प्रोग्राम में गए, आज ही इंटरव्यू और आज ही नौकरी। बोलना, क्या हो रहा है अंदर? लेकिन हमारी शादी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं? उषा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं आज ही हमारी शादी के बारे में माँ से बात करूंगा। मतलब आपको मेरा और उषा का रिश्ता पसंद नहीं है? रवि बेटे, हमारी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट हमारे घर की बहुरानी बने, हमारे सामने झुकने वाला सर हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करे, नहीं रवि बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलती तुम्हारी माँ के साथ शादी करके तुम्हारे पिता ने भी की थी। रवि बेटे, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हारे अरमानों का गला घोंटना चाहते हैं। दरअसल हम अपने पति की इज्जत का गला घोंटते हुए नहीं देख सकते। हमारी बात को गौर से सुनो। जिन्हें आसमान की तरफ देखकर चलने की आदत होती है, वो जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरफ नहीं देखते। देखो बेटे, उषा को दुर्गा निवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ जानता हूँ, आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो, कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी तीन रातों से, तीन रातें और चार दिन और तीन और चार आठ, पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9-2-11 हो गया है। तू शायद मुझे नहीं जानता, मेरा नाम
किरण है, किरण वर्मा। मैं जिस चीज को पसंद करता हूं ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता हूं। तू अभी तक हवलदार का हवलदार ही है? लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते, ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवालात जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, एक मिनट। ओहो इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं? ओहो, कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ी भी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने इसके बारे में लिखी है उसे फाड़ डालो, फाड़ डालो उसे। हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके के डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो 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 चलो। मगर अरे तो मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन